राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने शनिवार को पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने हाईकोर्ट के शताब्दी भवन के लॉबी में 11 बजे जस्टिस शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पटना एयरपोर्ट ने DGCA से अनुमति मिलने के बाद एक बार फिर से विंटर शेड्यूल जारी किया है। विंटर शेड्यूल 15 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। नए शेड्यूल में कोलकाता के लिए स्पाइस जेट की एक नई उड़ान 5 जनवरी से शुरू होने वाली है। बिहार में कोरोना संक्रमण अब तेजी से पांव पसारने लगा है। 15 से 18 साल उम्र के किशोरों को वैक्सीन की हरी झंडी मिलने के बाद बिहार में अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू कर दी गई। पटना समेत अन्य जगहों पर इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी ताकत के साथ आज जुटी हुई है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली में बेस्ट यूपी के मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को नए साल का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करने का काम किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में लाभार्थियों को यह राशि जारी की। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब भाजपा को हार का डर सताने लगा है, तो वह अपनी दूसरी टीम लेकर आ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों पर लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही कोरोना के डेल्टा वायरस से लोग संक्रमित होने लगे हैं। आलम यह है कि पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 10 मंत्री समेत 20 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झारखंड के गुमला जिले के बिशनपुर में रांची जाने के क्रम में लोहरदगा के भंडरा बेरो रोड पर कोटा गांव के पास आज एक्सीडेंट की घटना हुई। इस दुर्घटना में कार में सवार बीनू लकड़ा, अरुण, सत्यम, प्रकाश समेत कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी में अब स्कूल के बस मालिक मनमाना किराया वसूल नहीं कर सकेंगे। योगी सरकार ने किराया तय कर दिया है। यह किराया दूरी के हिसाब से तय की गई है। इसके साथ ही सरकार ने हर साल किराया तय करने का फॉर्मूला भी जारी किया है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज साल के पहले दिन रामपुर पहुंचे। उन्होंने यहाँ 95 करोड़ की 25 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। झारखंड के पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना अंतर्गत पर्यटन स्थल पर भीम चूल्ह पर पिकनिक मनाने आए 23 वर्षीय युवक धीरेन्द्र कुमार की भीम बराज में डूबने से मौत की घटना हुई। सबको गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला जा सका। नेपाल में नए साल के अवसर पर जनकपुर धाम में आज पर्यटकों की काफी भीड़ जुट गई। नेपाल सहित भारत से पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे थे। सभी होटल, लॉज, धर्मशाला पर्यटकों से भरा रहा। सुबह से ही जानकी मंदिर में लोग पूजा पाठ के लिए आने लगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि के मौके पर अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे, जहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के कैलेंडर 2022 का लोकार्पण किया। राजधानी पटना के एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प भवन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह लोकार्पण किया।